इस बीच बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, गोपालबाग में देर रात तो पुलिस का छापा मारा गया है और लड़की के रोने की आवाज पर पुलिस पहुंची। देह व्यापार के लिए जोड़ों को पकड़ा गया है। लड़कियों से जबरन कराया जा रहा था अनैतिक काम। 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। दोहरे हत्याकांड का आरोपी भी गिरफ्तार, जमानत पर रहा है। इस आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। देह व्यापार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लड़कियों से जबरन कराया जा रहा था अनैतिक कार्य। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोहरे हत्याकांड का आरोपी जो जमानत पर था, वो इस पूरे घटनाक्रम में उसकी भूमिका थी, वो संलिप्त था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। लड़कियों से जबरन कराया जा रहा था देह व्यापार। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोहरे हत्याकांड का आरोपी जो जमानत पर था, वो भी गिरफ्तार हुआ है। गोपालबाग में देर रात पुलिस ने छापा मारा है। लड़की के रोने की आवाज पर पुलिस पहुंची। देह व्यापार में लिप्त जोड़े पकड़े गए हैं। जबरन इन लड़कियों से अनैतिक काम कराया जा रहा था। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोहरे हत्याकांड का आरोपी जो जमानत पर था, वो भी धरा गया। ये तस्वीरें देखिए, गोपालबाग में यह देह व्यापार का धंधा चल रहा था और ऐसे में जब लड़की के चीखने की आवाज लोगों ने सुनी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लड़कियों से जबरन अनैतिक काम कराया जा रहा था। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोहरे हत्याकांड का आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। जबलपुर के गोपालबाग में देर रात पुलिस ने छापा मारा। देह व्यापार में लिप्त जोड़ों को पकड़ा गया है। लड़कियों से जबरन अनैतिक कार्य कराया जा रहा था। जबलपुर से यह बड़ी खबर, गोपालबाग में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देह व्यापार में लिप्त जोड़े पकड़े गए हैं। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। लड़कियों से जबरन कराया जा रहा था अनैतिक कार्य। अरविंद दुबे जो है संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, देह व्यापार के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, क्या जानकारी आपके पास? एसपी दीपक मिश्रा के पास देर रात एक खबर पहुंची थी लगभग 2 बजे के आसपास की। गोपालबाग जो कोतवाली थाना अंतर्गत आता है, वहां पर एक फ्लैट में एक लड़की के रोने की काफी तेज आवाजें आ रही हैं। इस पर जब मौके पर वहां पर पुलिस पहुंची थी, तो वहां पर उस फ्लैट पर जब छापामारी की गई, तो वहां पर 3 लड़के और 3 लड़कियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए थे और वहां पर एक और अन्य व्यक्ति वहां पर था। पुलिस ने सभी को लाकर थाने में जब पूछताछ की, तो पूरे मामले का बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा ये हुआ कि लड़कियों को वहां पर लाया गया था देह व्यापार के लिए और उनसे जबरदस्ती ये अनैतिक कार्य कराया जा रहा था। पुलिस ने उन लड़कियों की शिकायत के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनमें से एक जो पकड़ा गया आरोपी है, वो दोहरे हत्याकांड का आरोपी है और फिलहाल जमानत पर रिहा था। कपिल चौक से उस व्यक्ति का नाम है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है दोबारा और अभी पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। चूंकि मामला सुबह 4 बजे तक खिंच लिया था, इसलिए अभी फिलहाल अधिकारियों ने अपनी पूछताछ को रोक दिया। अरविंद, ये पता चल पाया ये लड़कियों को जो जबरन इस गंदे खेल में धकेला जा रहा था, कहां से लेकर आए थे? क्या प्रदेश से ही ताल्लुकात रखती है? जबलपुर से ही ताल्लुकात रखती है लड़कियां? क्या लड़के स्थानीय ही हैं, जबलपुर की ही रहने वाली हैं और जो लड़के हैं वे भी स्थानीय हैं, लेकिन इनका रैकेट लड़कियों को इस अनैतिक है नौकरी का झांसा देने के लिए बुलाते हैं, लुभाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं और उसके बाद फिर उन्हें इस काम में ढकेल देते हैं। तो ये एक लंबे समय से काम चल रहा है जबलपुर में और पुलिस इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करने में जुटी हुई है। अभी कुछ और जानकारी हमारे हाथ लगेंगी, हम अपडेट लेकर हाजिर होंगे। बिल्कुल अरविंद, इस कार्रवाई के बाद शायद उम्मीद है कि कुछ हद तक लगाम लगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।